केशव हम लोग पढ़ चुके हैं, किस टू के बारे में पढ़ेंगे। किस टू के बारे में पढ़ने से पहले तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ना कि साइन थीस या साइन साठ, कॉस थीस या कॉस साठ, या टैन थीस या टैन साठ का वैल्यू जो है ना क्यों इतना होता है, है ना। इस चार्ट में जो है ना देख लीजिए कि इसका जो वैल्यू दिया रहता है। आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई फॉर्मूला है रट लो, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इतना ही क्यों होता है। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कि यहाँ पे हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक बना दीजिए, है ना, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु का मतलब क्या होता है ना, सभी भुजा बराबर होती है। क्या होती है, सभी भुजा बराबर होती है ना, यानी कि अगर सभी भुजा बराबर होगी तो सभी कोण भी बराबर होगा। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। ये क्या है, अगर ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब यानी कि सभी भुजाएं अगर बराबर है तो सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। बात समझ में आ रही है, तो हाँ, तो अगर सभी भुजाएं बराबर है तो सभी साइड भी बराबर होगी। अगर मान लीजिए इस साइड का वैल्यू x है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी, सभी साइड क्या होंगे, x x हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इसमें तो हमको समबाहु त्रिभुज नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज। तो इसको अगर हम समकोण त्रिभुज के बारे में बांट देते हैं तो यहाँ देखिएगा 90 डिग्री का कोण मिल गया। अब इसमें समकोण त्रिभुज एक बन गया ए, है ना, ए डी बी और ए डी सी। तो इसके बारे में बात कर लो या इसके बारे में बात कर लो, दोनों बातें बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही वैल्यू के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये टोटल वैल्यू एक्स थी तो जब हमने बीचों बीच बांटा तो इसका क्या हो जाएगा, x बाई टू हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये भी x बाई टू हो जाएगा, आधा आधा। तो अगर हम क्या करते हैं ना, इस तरह से बचने के लिए यहाँ पे 2x मान लो, इसको भी 2x मान लो, ये टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो है ना 2x मान लो। तो अगर 2x है तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे x, x और x 2x हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। टोटल वैल्यू ये कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का था, हमने बीचों बीच से बांट दिया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये वाली बताओ, एक भुजा एक साइड को हम मिटा देते हैं टोटली, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिएगा, ये अगर 2x है तो ये x है, ये आपको पता नहीं है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आप देखिएगा पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस है ना परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है ना कि लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मतलब पता नहीं है आपको, एच स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा कितनी है, टू एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगी बाबू, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलो पी स्क्वायर बराबर दू दूना चार एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो तो पी स्क्वायर बराबर चार में से एक घटेगा तो कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। तो p बराबर अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर, तो जब x सिर्फ x पे स्क्वायर है तो x बाहर निकल जाएगी, है ना। तो x बाहर निकल गया तो x रूट क्या बच गया आपके पास, थ्री। अब कहोगे सर x कैसे बाहर निकलेगी, देखो तो अब x थ्री और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये भी बराबर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ देखोगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यानी कि थ्री बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स, यानी आप यहाँ पे एक्स रूट थ्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, एक्स रूट अंडर थ्री, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब आपके साथ तीनों साइड बराबर पता चल गया आपको, तीनों साइड अगर आपको पता चल गया तो चलो साइन तीस के बारे में बात कर लेते हैं। साइन तीस के बारे में बात करें, यहाँ पर देखेंगे साइन तीस बराबर, यानी कि जब साइन तीस का है ना तो आपको पता है कि पी बाई बी होता है, सॉरी पी बाई एच होता है। तो देखो साइन तीस, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब हो जाएगी, तीस के किसमें लंब ये हो जाएगी, कर्ण ये हो जाएगा, आपको पता है ना, ये आधार हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो तो यहाँ देखोगे साइन तीस का मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब कितनी है एक्स, कर्ण कितनी है टू एक्स, एक्स एक्स कट गया एक बार में तो एक्स बराबर आ गया वन बाई टू,
ठीक है चलो 37 बता लिए आपने, बता दिया सर कॉस 30 के बारे में बताइए, कॉस 30 बराबर भी होता है क्या पी बाई बी सॉरी बी बाई एच, यानी कि 30 के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो यानी कि बी मतलब ये एक्स रूट अंडर 3 बटा में एच कितना है 2x, x x खत्म हो जाएगा क्या बचेगा x 3x बाई 2, टैन 30 के बारे में बात कर लो, टैन बराबर होता है पी बाई बी, पी का वैल्यू कितनी है x है और b का वैल्यू कितनी है x रूट 3x x करिए एक बार में तो क्या हो जाएगा 1 बटा में रूट अंडर 3। तो ये आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है हमारी वैल्यू, आप इस चार्ट में देख रहे हैं ना तो इस चार्ट में मिला लीजिए, या फिर आपके पास बुक है ना तो बुक को पेज बुक का पेज नंबर 204 खोल के देखिए, उसमें ये सारी चीज़ दिया हुआ है। ठीक है तो आप इसको पहले जान लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो ये आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं ये अभी इसमें ये बता रहा हूँ कि आया कैसे, और अब इसके बाद वाले जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें बताएंगे कि याद कैसे रखेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा, आप उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है तो उस वीडियो को भी देखिएगा, इस वीडियो को पहले देख लीजिए, ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको साइन 30 का नहीं साइन 60 का वैल्यू निकालना, कितना साइन 60 मतलब इस वाले बात कर रहे हैं तो इसके सामने जो ये है ना, अब इस केस में ये हो जाएगा आपका लंब यानी कि पी, और ये हो जाएगा आपका बी है ना, और ये तो एच ही है। तो साइन 60 का वैल्यू, साइन का मतलब क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच का मतलब ये वाली लंब होगी और ये वाला यानी कि 2x बटा में x बाई, फिर एक्स एक्स करेगा क्या बचेगा 2√3। ये बात तो समझ में आया आपको, साइन का 60 का भी वैल्यू आ गया। अब देखिएगा साइन 60 तक कि क्या होगा पी बाई एच, तो ठीक है तो कोई बात नहीं है सर, पी बाई एच ओ सॉरी पी बाई एच का मतलब यानी कि पी हो जाएगा आप एक्स रूट 3 और h का वैल्यू कितना हो गया आपको 2x, एक्स एक्स कट गया बचेगा एक्स 3√2। उसी तरीके से आप इसको cos 60 का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा, cos 60 बराबर भी होता है पी बाई सॉरी बी बाई एच, यानी कि 60 के केस में b ये होगा और h, b का मतलब x और h का मतलब 2x, एक्स एक्स कट गया बचेगा 1/2, tan 60 मान लीजिए है ना, tan 60 का वैल्यू भी होता है पी बाई बी, तो पी कितना होगा आपको एक्स बटा में रूट अंडर 3 और बी कितना होगा एक्स, एक्स एक्स कट गया बच गया रूट 3। तो आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, ये चीज़ अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।